संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी। इस चिट्ठी पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे असाधारण समय में अगर कांग्रेस के नेता भी आपके यानी मनमोहन सिंह के बेशकीमती सुझाव का पालन करें और आपसी सहयोग बनाए रखें तो अच्छी बात होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने आपकी चिट्ठी तैयार की है उन्होंने आपको पूरा जानकारी नहीं दिया है। कोरोना वैक्सीन के आयात को मंजूरी देने की आपने जो मांग 18 अप्रैल को की है उसे 11 अप्रैल को ही इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही वैक्सीन निर्माण में धन और अन्य रियायतों का सुझाव भी पहले ही कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा टीके के उत्पादन बढ़ाने के लिए कई वैक्सीन निर्माण संस्थाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है। आपने कोरोना टीकाकरण को लेकर चिंता जताई है लेकिन आपकी पार्टी यानी कांग्रेस के शीर्ष पदों पर बैठे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ना हमारे वैज्ञानिकों और ना ही कंपनियों की कोई तारीफ की है। दरअसल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वैक्सीन में तेजी लानी होगी क्योंकि ये कोरोना से जंग में अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि कितने लोगों को वैक्सीन लगा है यह आंकड़ा ना देखकर इस पर फोकस किया जाए कि आबादी के कितने फीसदी लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कोरोना से हो रहे नुकसान का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 5 सुझाव हाल की नरेंद्र मोदी सरकार को दिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन में छूट दी जाए। मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार को ये बताना चाहिए कि अलग अलग वैक्सीन को लेकर क्या आदेश है और अगले 6 महीनों में डिलीवरी होने का क्या स्टेटस है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 News।